विधमात। जी हाँ, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में थाना कंधई पुलिस को थाना क्षेत्र ग्राम ताला में दो पक्ष के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना कंधई पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो गांव के एक लड़के राजकुमार उर्फ पुत्र रामू के घर के सामने एक ही गांव में 17 वर्षीय लड़की का शव मिला। इस संबंध में जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतका व राजा दोनों एक परिवार से आपस में पट्टीदारी के संबंध में हैं एवं दोनों के घर अगल बगल हैं। कल रात को लगभग 8 बजे मृतका ने अपने पट्टीदार उर्फ राजकुमार उर्फ राजा उम्र 18 वर्ष पुत्र रामू के साथ मेला देखने गई थी। मेला से वापस लौटने पर लड़की अपने घर न जाकर राजकुमार उर्फ राजा के घर पर ही रह गई। आज सुबह इस बात को लेकर दोनों परिवार में विवाद हो गया। आज दिन में लगभग 11 बजे दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए ग्राम प्रधान अयोध्या प्रसाद गुप्ता के घर पर गए। दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि लड़का और लड़की अपने ही घर पर रहेंगे, परंतु दोपहर में घर आने के पश्चात दोनों परिवार के लोग आपस में विवाद व मारपीट कर लिए। इससे कुछ देर बाद लड़की के मृत होने की सूचना मिली। मृतका के पिता ने यह आरोप लगाया कि लड़के वालों ने मेरी लड़की को मार दिया है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा कराया जाएगा। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो जाएगा। आरोपी पक्ष से 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्राम प्रधान को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। मृतका के परिवार के जनों की तहरीर के लिए कहा गया है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत विवेचना की जाएगी। मृतका का परिवार जनों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए थाना प्रभारी कंधई द्वारा पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की यह रिपोर्ट। यह घटना हुई है, घटना ये हुई है कि ये सब लोग शाम के समय में मेला देखने गए थे। सब कौन लोग? नहीं, लड़का और लड़की, यही जो बता रहे हैं वही बता रहे हैं जो हमको वहाँ सुबह बताए। ये दोनों आदमी गए थे मेला देखने। मेला देखने के बाद आए घर, घर पर, घर पर सब लोग रहे तो लड़की वाले ने कहा कि आपका लड़का के साथ मेरी लड़की गई है, आप इसको रखिए। तो रखने के लिए तैयार नहीं हुए लड़का वाले। उसके बाद दो चार लोगों दोनों आदमी लेके हमारे यहाँ आए। हमारे यहाँ आने के बाद इन सब लोगों को पंचायत में मतलब सुलह समझौता हो गया। किस बात पे समझौता हुआ? समझौता इस बात पे हुआ कि लड़की वाले ने 30,000 रुपये मांगा तो लड़का वाले ने 30,000 देकर समझौता कर दिया। 11 बजे सब लोग घर अपने चले गए। घर जाने के बाद अभी 2 बजे झगड़ा कर दिया, मारपीट कर दी। मारपीट लड़की को पंचायत के सामने ही मारपीट हुई? नहीं नहीं, पंचायत हमारे मृतक के परिवार वाले कह रहे हैं प्रधान जी पंचायत में मौजूद थे और वहीं पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मारा गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है सर। लड़की को किसने मारा? लड़की हम नहीं देखते, लड़की के लड़के वाले के घर पर लड़की पड़ी थी। हमारे घर से 500 मीटर 600 मीटर करीब लगभग दूर है। अच्छे सर, ज़्यादा पड़ेगा 700। अब 28 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3:30 बजे SHO कंधई को थाना क्षेत्र के ग्राम ताला में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर जब मौके पर SHO कंधई पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि गांव के ही एक लड़के राजकुमार उर्फ राजा पुत्र रामू के घर के सामने गांव की ही एक 17 वर्षीय लड़की का शव मिला। इस संबंध में जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतका व राजा दोनों के परिवार के आपस में पटेदारी के संबंध हैं और दोनों के घर अगल बगल हैं। मृतका की माता द्वारा बताया गया कि पूर्व में 2-3 बार लड़का व लड़की दोनों घर से चले गए थे लेकिन कुछ समय बाद परंतु वापस आ गए थे। कल दिनांक 27 तारीख की रात्रि में लगभग 8 बजे मृतका अपने पटीदार राजकुमार उर्फ राजा जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है पुत्र रामू के साथ मेला देखने गई थी। मेला से वापस लौटने पर लड़की अपने घर न जाकर राजकुमार उर्फ राजा के ही घर पर रह गई। आज सुबह इस बात को लेकर दोनों परिवारों में विवाद हुआ। इस विवाद के संबंध में दोनों पक्ष दोनों परिवार मध्यस्थता के लिए लगभग 11 बजे जो गांव के प्रधान है अयोध्या प्रसाद गुप्ता उसके घर पर गए। दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि लड़का और लड़की अपने अपने घर पर रहेंगे। दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए, परंतु दोपहर में घर आने के पश्चात दोनों पक्षों में फिर से विवाद हुआ और आपस में मारपीट हुई। इसकी कुछ देर बाद लड़की के मृत होने की सूचना पुलिस को मिली। मृतका के पिता ने यह आरोप लगाया है कि लड़के वालों ने उनकी लड़की को मार दिया है। पुलिस द्वारा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में कराया जाएगा और डॉक्टर्स के एक पैनल के द्वारा किया जाएगा। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। आरोपी पक्ष की तरफ से 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो गांव का प्रधान है अयोध्या प्रसाद गुप्ता जिसके यहां ये मध्यस्थता का प्रयास किया गया
इसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें जितने भी लोग मौके पर मौजूद रहे उन सभी का वीडियोग्राफी में प्रॉपर तरीके से बयान कराया जा रहा है। मृतका के परिवारजनों को तहरीर देने के लिए कहा गया है, अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर आगे की विवेचना बहुत ही साइंटिफिक तरीके से की जाएगी। मृतका के परिवारजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी कंधई को निर्देशित कर दिया गया है और उनके द्वारा मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई।